एशिया कप टूर्नामेंट के पांचवें मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत के सामने 163 रनों का आसान लक्ष्य रखा। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और पाकिस्तान को लगातार झटके दिए। केदार जाधव और भुवनेश्वर कुमार ने 3-3 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत ने 2 और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट लिया। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार शुरुआती ओवरों में ही पाकिस्तान पर भारी पड़ गए और पाकिस्तान ने महज 4 रनों के भीतर 2 विकेट गंवा दिए। उन्होंने ओपनर जोड़ी इमाम उल हक 1 और फखर जमन 0 को बाहर का रास्ता दिखाया। भुवनेश्वर ने पहले तीसरे ओवर की पहली गेंद पर इमाम का शिकार किया। इस तेज गेंदबाज ने विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करवाया। इसके बाद भुवनेश्वर ने पांचवें ओवर की पहली गेंद पर फखर को बिना खाता खोले चहल के हाथों कैच आउट करवाया। इसके बाद तीसरे विकेट के लिए बाबर और शोएब मलिक ने क्रीज पर पैर जमाए, लेकिन 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर युजवेंद्र चहल ने बाबर 47 को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 82 रनों की साझेदारी हुई। बाबर के आउट होने के बाद पाकिस्तान के अगले 3 विकेट जल्दी गिरे 96 रनों के स्कोर पर। कप्तान सरफराज अहमद 6 विकेट केदार जाधव के हाथों आउट होकर चलते बने। फिर भारत ने पांचवा झटका लय में दिख रहे मलिक के रूप में दिया। मलिक टीम के 100 रनों पर 43 रन बनाकर रन आउट हो गए। वहीं छठा झटका जाधव ने आसिफ अली के रूप में दिया। अली 6 रन बनाकर आउट हुए। टीम में भारत रोहित शर्मा कप्तान, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, अंबाती रायुडू, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान। सरफराज अहमद कप्तान, आसिफ अली, बाबर आजम, शोएब मलिक, फहीम अशरफ, फखर जमान, हसन अली, इमाम उल हक, मोहम्मद आमिर, शदाब खान, उस्मान खान। जेड न्यूज की रिपोर्ट।